शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए साथ ही महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब शहर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नागपुर पुलिस ने स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने का थर्ड आई ऑपरेशन शुरू किया है। 3 महीने में शहर में 3 लाख कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने दी है। नागपुर शहर में देखा जाए तो छोटे बड़े अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है, फिर वो दुष्कर्म हो, एसिड अटैक हो या फिर छेड़छाड़ हो। इन बढ़ते अपराधों को कैसे कम किया जाए, इस पर रोक लगाने के लिए शहर की पुलिस ने थर्ड आई ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत शहर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और 3 महीने में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर पुलिस स्टेशन को अपने अपने क्षेत्र में 10,000 कैमरे लगाने का टारगेट दिया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया कि शहर में कैमरे लगाने से अपराध कम होंगे। कैमरे के जरिए हम आरोपी तक तुरंत पहुंच सकते हैं। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि सीसीटीवी कैमराज जो हैं, ये आज क्राइम प्रिवेंशन के लिए और डिटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना ही ज़्यादा कैमरा रहेगा उतना ही ज़्यादा क्राइम पे कंट्रोल रहेगा। तो अपने नागपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें 3600 कैमरे गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोगों ने बहुत सारे कैमरे लगाए हैं, दुकान में लगाए हैं और घर में लगाए हैं। तो ये अगर पूरा नागपुर शहर का कैमरा का आप देखिए तो अंदाजे 60,000 से ज़्यादा कैमरा नहीं है, लेकिन नागपुर शहर का आज का पॉपुलेशन लगभग 40 लाख है। तो कम से कम यहाँ पे मिनिमम 5-6 लाख कैमरे होने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए जाए। तो हमने अभी एक ऑपरेशन थर्ड आई शुरू किया है और हमने हर एक पुलिस स्टेशन को एक ऐसा टारगेट दिया है कि हर एक पुलिस स्टेशन के एरिया में जो कॉलोनीज हैं, लोगों के घर हैं, दुकान हैं, वहाँ पर मिनिमम एक कैमरा लगाया जाए और हर एक पुलिस स्टेशन मिनिमम 10,000 कैमरा लगाए 3 महीने के अंदर। मई तक हमने लास्ट डेट दिया है तो हमारे यहाँ टोटल 33 पोल्यूशन है, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 3 लाख से ज़्यादा कैमरे लग जाएंगे। तो इतने अगर कैमरे लग जाएंगे तो जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उसकी हमको जानकारी मिलेगी या जो गुनहगार हैं उनको भी उससे कंट्रोल मिलेगा, और घटना कुछ होती है तो हम उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे मोर्चे निकलते हैं, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसमें भी हमको जानकारी मिलेगी। तो आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है स्मार्ट सिटी का, उसमें कैमरे को लगाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर नज़र रख सकें और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। इसमें महिलाओं की सुरक्षा का भी बहुत बड़ा प्रश्न है, लोगों की प्रॉपर्टी का प्रश्न है, लॉ ऑर्डर का प्रश्न है, और इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे अपराधों की रोकथाम और पता लगाने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। शहर में हमने सीसीटीवी कैमरों की मदद से कई अपराधों का पता लगाया है, साथ ही हमने मोर्चा और त्योहारों के दौरान बड़ी भीड़ की निगरानी सीसीटीवी के जरिए ही की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 3,600 सीसीटीवी कैमरे और लगभग 50,000 निजी कैमरे लगे हैं, लेकिन यह संख्या नागपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। इसलिए हमने सीसीटीवी कैमरों को कम से कम 3 लाख तक बढ़ाने का फैसला लिया है, क्योंकि आज हमने प्रेस में दिया और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुलिस वाले की हेल्प करें, मदद करें। आप खुद हो के अपने घर में 1-2 कैमरे लगाएं, उसका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। आप मिनिमम 7 डेज का एक्सपोजर रखें तो आपके लिए भी सुरक्षा के लिए है। एक तो घटना नहीं होगी, चोर डरेंगे कैमरा लगा हुआ है, और अगर घटना होगी भी तो कम से कम वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उस घटना को डिटेक्ट करने में हमको सुविधा होगी। साथ ही पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वो भी सुरक्षा के मद्देनजर अपनी ओर से घर में, दुकान में, बड़े प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगाए, और हम सभी ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस के इस थर्ड आई ऑपरेशन को सफल बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरा कड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।